माफिया किंग अतिक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें लेकर अभी भी कई सारे खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले साबरमती जेल में माफिया अतिक अहमद से मिलने एक महिला पहुंची थी। ये भी बताया जा रहा है कि साहिस्ता इस बात को लेकर काफी खफा थी। इस महिला की अतिक से नजदीकी को लेकर साहिस्ता दुखी रहती थी। अतिक इस महिला से घंटों फोन पे बात भी करता था। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने साबरमती जेल के सीसीटीवी खंगाले हैं, जिसके बाद ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस अब इस मामले में मिस्ट्री महिला के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के बाहुबली और अतिक अहमद के खात्मे के इतने दिनों बाद भी माफिया के बारे में कई खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अतिक अहमद और साहिस्ता के रिश्ते के बीच एक महिला भी थी, जिससे साहिस्ता अक्सर परेशान रहती थी। अतिक अहमद की इस महिला के परिवार पर कई मेहरबानियां थी, जिसे लेकर इस महिला का अतिक से काफी जुड़ाव था। ये महिला अक्सर अतिक के साथ फोनों पर घंटों बात करती थी। इतना ही नहीं, साबरमती जेल में इस महिला का आना जाना था। दरअसल पुलिस सूत्रों का कहना है कि माफिया अतिक अहमद और इस मिस्ट्री महिला के बीच साबरमती जेल में कई बार मुलाकात भी हुई थी। पुलिस टीम ने जेल के सीसीटीवी खंगाले और जानकारी हाथ लगी है कि उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले यह महिला अतिक से मिलने जेल में पहुंची थी। दोनों के बीच मुलाकात हुई, बात हुई और फिर कुछ देर बाद वो महिला वहां से निकल गई। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि क्या इस मुलाकात का उमेश पाल हत्याकांड से कोई लिंक है या नहीं। आपको बता दें, पुलिस सूत्रों का कहना है कि अतिक से मिलने साबरमती जेल जाना और फिर कुछ दिन बाद उमेश पाल की हत्या होना, इनका आपस में क्या संबंध है, इसका राज मिस्ट्री महिला की खोज कर सकती है। वहीं पुलिस टीम इस महिला मिस्ट्री को खोज रही है। बताया जा रहा है कि अतिक की हत्या के बाद महिला अंडरग्राउंड हो गई है। पुलिस टीम इस महिला की हर संभव ठिकाने में तलाश कर रही है। दरअसल पुलिस सूत्रों का कहना है कि जेल में रहते हुए अतिक का इस महिला से मुलाकात और फोन पर घंटों बातचीत का दौर जारी रहा। वहीं साहिस्ता की नाराजगी और मना करने के बावजूद अतिक ने ऐसा करना जारी रखा। इससे अतिक और साहिस्ता के बीच रिश्तों में खटास भी आ गई थी।